आशा और गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन द्वारा आज संविधान चौक पर विविध मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान आशा वर्करों द्वारा मांग पूरी न होने पर काम बंद आंदोलन का इशारा दिया गया। आज संविधान चौक पर आशा गट प्रवर्तक यूनियन द्वारा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन विविध मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें आशा वर्करों को कीमान वेतन दिया जाए, कवच कुंडल सर्वे का मानधन दिया जाए, साथ ही दवाई वितरण का कार्य भी आशा वर्करों द्वारा किया गया था, जिसका मानधन भी नहीं दिया गया है। ऐसा कई मांगों को लेकर आज आंदोलन किया गया है। हम 2008 से काम कर रहे हैं और जो हमको 10 साल हो रहे अभी किमान हम 500 और पहले तो 150 रुपये मिलता था हमको, अभी 500 रुपये किया 150 का, फिर 500 से 1800 किया, लेकिन हमको हर महीना मानधन नहीं दिया जाता है। अभी कोविड का जो सर्वेक्षण है 2020 से चालू हो गया है, कोरोना के महामारी में इतने पेशेंट निकल रहे थे, महामारी चल रही थी, सिर्फ आशा ने उनको वो पूरी महामारी को बचाया है और उनको जो वैक्सीनेशन के 200 रुपये मिलते थे, कुटुंब जवाबदारी थी और हर घर दस्तक, कवच कुंडल, ये भी उन्होंने लेटर निकाला था। महानगर पालिका हो या जिला परिषद हो, उन्होंने वो स्टेशनरी में भी घोटाला किया, जो किया है अभी वो जो आरोग्य अधिकारी है उनको भी उन्होंने पुलिस वाले ने पकड़ के लिए लेके गए और उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। अभी तक वो शासन ने अभी यह आशा वर्कर है जब भी 2020 से किया था राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी तक उसमें जो 1800 रुपये दे रहे थे उनमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है। जो हमको मानधन देना चाहिए हर महीने का 2000 केंद्र सरकार और 2000 राज्य सरकार, ये 4000 रुपये हर महीना हमको मानधन दिया नहीं दे नहीं रहे थे। इस आंदोलन के जरिए हम हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम काम बंद आंदोलन करेंगे, ऐसा गट प्रवर्तक प्रीति मेश्राम द्वारा बताया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।